देख रहे हैं सीएमएन न्यूज, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। जनपद फारुखाबाद में रविवार से हो रही बरसात ने अन्नदाताओं की मुसीबत एक बार फिर बढ़ा दी है। सैकड़ों बीघा की फसल जलमग्न हो रही है। जिले में लगभग 10,000 हेक्टेयर की फसल बोई जा चुकी है, जिसमें 90% फसल नष्ट होने की कगार पर है। आलू जिले की मुख्य फसल है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से किसानों ने आलू की बुआई शुरू कर दी थी। अभी तक ज्यादातर बीजों में अंकुर भी नहीं निकल पाया है। ऐसे में इस बरसात ने तो मानो किसानों की मेहनत पर पानी ही फेर दिया हो। आलू के साथ साथ धान, सरसों व हरी सब्जी के लिए भी बरसात काफी नुकसानदायक है। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहते हो? अच्छा, ये बारिश हुई है तो आलू में कितना फर्क पड़ा है? आलू में तो फर्क बहुत फर्क है। वो फिर भी फर्क है यार, 15,000-15,000 लागत आई। ये आलू होगा या नहीं होगा? कुछ हो ही कहाँ, पानी ज़्यादा भर गया है। पानी बहुत हो रही है ना, मेरे को पानी दिखा दो। अच्छा ये बताओ, खाद मिल जाती है? खाद मिलती है, चच्चा ना जाना पत्र बाबू की दुकान। कितने की मिल रही है? बोल रही है 15,000 की। कौन सी? उत्तम डीएपी की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।